अजलान, उस रोज तुम्हारे रस्से तड़ाकर भागने से भाई जी सोचने पर मजबूर हो गए। अब वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अजलान और हनी की शादी जबरदस्ती कराना मुमकिन नहीं है। अरे वाकई, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हनी? नहीं नहीं, वैसे मुझे लगता है इसमें जरूर हसीना भाभी जी का हाथ है। मैं पहले से ही ना वो चाहती थी नवाब या शादाब से हनी की शादी करवाना, तुम तो कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। जी, और आपको बताया कि मामी में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? यही कि वो मुझे नापसंद करती। अच्छा सुनो, फिलहाल ना भाई जी कराची में बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं और तुम्हें सारी अथॉरिटी देंगे। अब तुम उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के बहुत मेहनत करना, फिर देखेंगे कि क्या करना है आगे। अरे आनी, मैं यहाँ पे मैरिज हॉल और मार्केट संभालने नहीं आया, और ना ही मुझे मुफ्त के खानों का शौक है। अजलान, इस वक्त मुझसे बहस मत करना। अरे आनी, आप भी तो बात समझने की कोशिश करें। मैंने इस तरह के कारोबार शुरू कर दिए ना, तो अमल के फादर मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अरे हमारे मामू तो सिर्फ नाम के नफीस है, उनकी फैमिली सचमुच की नफीस है। बेटा जी, इस वक्त उनके घर को छोड़ के अपने घर की फिक्र करें। अच्छा सुनो, फिलहाल भाई जी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, बस वो जैसा कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिला लो। ठीक है, आप कहती हैं तो गौर फरमाऊंगा इस बारे में, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाना है वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के लिए। मामू ने ताकीद की है, अपना ख्याल रखें, बाद में बात होती। चलो ठीक है, मुझे बता देना जो भी हो। अल्लाह हाफिज। कहाँ फंसा दिया मामू आपने? अजलान की बचपन की मंगेतर हनी और अमल के दिल में अजलान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि अजलान ने अमल की हौसला अफजाई की और अब अमल जो है अजलान के इस खुले धोखे के बाद उसे सख्त नाराज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर मोहब्बत का चराग आंधियों की छत में। नहीं, नहीं। जी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी धूप में क्या कर रहे हैं? संभत ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप अंदर जाएं, मैं जरा ख्यालों की कैलकुलेशन में खोया हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप परेशान लग रहे हैं। मेरी शक्ल ही ऐसी है, आप जाएं प्लीज। अरे शमा, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कहती हूँ आया करो, मिला करो, हमारे साथ बैठा करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। थैंक यू, आप बस वो जरा इस तरह खराब हो गई थी तो कपड़े भिजवा देती, आयरनिंग हो जाती है ना गुलाबू, कर देगी। अब नहीं नहीं, वो बस एक टॉप ही इस तरह खरीदना थी, आप थोड़ी देर के लिए मुझे इस तरह अगर दे दे तो। अब गैरों वाली बात कर दी ना, यही से जाने की बात कर रही हो। इस्त्री हो जाएगी, बातें भी हो जाएंगी, तुम आओ, मैंने कहा है ना तुम्हारा अपना ही घर, आओ बैठते हैं, चाय पीते हैं, आ जाओ। और बताओ कैसा लग रहा है? देर हो गई है, फुप्पो ने तो इंतजार में आधा किलो वजन कम कर दिया। हेलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों का क्या मतलब है? ये एरिया तुमने खरीदा है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। नहीं, अगर खरीद लिया होता तो तुम मालकिन बन जाती ना। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, वो और लोग होते होंगे जो चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। क्या हो गया, क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रही हो? अच्छा ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? वैसे तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, लेकिन ढीठ बन के पूछ रहे हो तो घर जा रही हूँ। अच्छा तो साथ चलते हैं ना, ये तो काफी भारी हो। नहीं, हल्का है, इतनी नाजुक नहीं हूँ, इतना वजन उठा सकती हूँ, और मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना, आए तो अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार खुद होगे। मैम देखो, अमन तुम बदतमीजी कर रही हो, यू आर क्रॉसिंग द लाइन। हाँ कर रही हूँ, मेरे पीछे आए तो असल में शोर डालूंगी, और पता है ना जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। Thank you.
हेलो, आपका टायर पंचर हो गया, मतलब आपकी गाड़ी का। आए, मैं आपको अपनी बाइक पे ड्रॉप कर देता हूँ। आए। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे, आपको तन्हा भी तो नहीं छोड़ सकते ना मेरी जान। आजकल पता नहीं कितने कमीने लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ख्याल से लेके जाना और जहाँ ये बोले वहीं ड्रॉप करना। ये क्या बदतमीजी है, और हटाओ अपनी बाइक मेरे रास्ते से। अच्छा पाजी जान, माफ कर दे, आपके हस्बैंड का हाथ बहुत भारी है। अच्छा, पहले जान और अब बहन। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात का? तू नहीं समझेगा। चल चल निकल यहां से। क्यों हो, चलो ना। आप डर लग रहा है मुझे, तुमने शोर मचा के लोगों को बुला लिया तो मुफ्त में बिठाई लग जाएगी मेरी। अजान, अगर ये खबीस लड़के नहीं आते ना, जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल ना देखती मैं। अच्छा एक बात तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। तुमने मुझसे नहीं, हनी से प्यार किया। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो इजलान, मुझे अपने घर जाना है। मुझे तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना है कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम। प्लीज अंदर चलो। तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन आ जाएगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात पे एतबार जरूर करोगे, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। प्लीज एक बार बैठ के इत्मीनान से मेरी बात सुनो, फिर जो मर्जी चाहे फैसला करना। तो मैं तुम्हारे पापा की कसम मानूं। हनी मेरी कजन जरूर है, और मेरे मामू ने अपने तौर पर मेरा रिश्ता भी तय करके रखा है, लेकिन ये सब कुछ वन साइडेड है, इसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल शामिल नहीं है। मेरी शादी वहीं होगी जहां मैं जाऊंगा। मतलब इस बात में सच्चाई है ना, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। अमर, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? अच्छा फर्ज करो कि तुम्हारी फुप्पो जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर देती, जहां पे तुम्हें और तुम्हारे वालिद साहब को पता नहीं, इस रिश्ते की कोई हैसियत होगी क्या? मेरी आनी मेरे लिए सब कुछ है इस दुनिया में, मेरी माँ भी वही है और मेरा बाप भी। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मैं इधर देखो मेरी आंखों, तुम्हें सच के साथ साथ सिर्फ मेरी मोहब्बत नजर आई। आनी आई थी कराची तुमसे मिलने के लिए, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उनको वापस जाना पड़ा। अमन, वो बहुत जल्द तुमसे बात करेंगी, और जैसे ही मेरा पर्सनल बिजनेस सेटअप हो जाएगा वो रिश्ता भी मांग लेंगी। मैं अपना घर बार दोस्त यार रिश्तेदार सबको छोड़ के आया हूँ, और तुम आके मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही, शक कर रही हो मुझ पर। वादा करो आइंदा किसी हनी की बातों में नहीं आऊंगी। हनी बी, तुम्हें किसने बताया हनी बी? देखा है ना नाम से, हनी बी। क्या देख रही हैं पप्पो? ज्यादा ना देखे, अभी मैं शेयर करने के ना मूड में नहीं हूँ।
वो तो तुम कभी भी नहीं होती हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो, बोर नहीं होती? भोपो इतना खाती हूँ इसलिए तो बोर नहीं होती। लेकिन अजलान को तो इतना खाने पीने का शौक नहीं, वो बिल्कुल फूडी नहीं ना। तो शादी उससे करनी चाहिए ना जिसे शौक मिलता हो। अब तुम टूट के खाओगी तो तुम्हारे उनको डट के तो खाना ही चाहिए ना। तो इन बातों का शादी से क्या ताल्लुक है? एक और बात, हमें ना शादी उससे करनी चाहिए, सुनो ना, हमें ना शादी उससे करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता हो, ना कि जिससे हम मोहब्बत करते। अब देखो ना तुम कितनी लकी हो, नवाब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। समझ गई कि आप मेरे से चिपक क्यों रही हैं, ताकि आप मुझे गलत मलत पट्टियां पढ़ा सके। आप नहीं चाहती ना कि मेरी और अजलान की शादी हो? हाँ हनी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ना शादी के बाद दुखी ना हो ना। अजलान ना बिल्कुल नहीं अच्छा, वो कभी भी तुमसे नवाब जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता ना। पप्पू एक बात याद रख लें, बल्कि लिख लें, बल्कि मैं आपको लिख के दे देती हूँ, मैं अजलान का पीछा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? और मैं ही अजलान से शादी करूंगी। बहुत हो गया। बैट मुझे दो, बैट मुझे दो, ये पकड़ो। चलो बॉल कराओ, बॉल कराओ, बॉल कराओ, शाबाश 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 शाबाश। छक्का, पहली बॉल पे छक्का दे दिया, सामान वापस करो, चलो चलो। छक्का था मेरा, छक्का पूरा। अरे आंटी, शमा आंटी, कैसी हैं आप? आंटी शमा, अब शमा बाजी, मैं वो स्त्री वापस करने आई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब देखे मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ अंदर चले, दरवाजे से नहीं जाते। नहीं नहीं, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, मैं फिर आऊंगी। अच्छा फिर प्रॉमिस करें कि आप जरूर आएंगी, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना, और वैसे भी पड़ोसियों के बहुत सारे आके आएंगी ना। ओके बाय। ताबी मेरे प्यारे भाई ताबी, मैंने बहुत सोचा है और बहुत सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हम उस पीनी पकौड़ी लड़की की मोहब्बत पे बिल्कुल शक नहीं करेंगे। हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची हो, और आई एम श्योर सच्ची होगी। क्या वाकई? इसका मतलब कि अब तुम ना कभी उसकी नाक फोड़ोगी ना कभी आँख? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। थैंक यू, चाचू मेरे प्यारे चाचू। आप ना इसी तरह के रंग पहना करें और अपने माजी को अपने हाल में जिंदा रखें, क्या पता आपका माजी एक दिन आपके सामने आके खड़ा हो जाए। तुम्हारे मुंह की शक्कर, यू मेड माय डे, जस्ट मेड माय डे, यस। ये आज चंद दिनों से तुम्हारा मुंह फूलकर कुप्पा हुआ हुआ था, आज इतनी खुशी किस बात की है? फुप्पो प्यारी फुप्पो, ताबी चाचू फुप्पो, बात यह है कि मुझे मेरा खोया हुआ इत्तबार वापस मिल गया है, और मैंने आज नोटिस किया खासी हसीन फैमिली है मेरी, माशाल्लाह। गुलाबो मेरी प्यारी गुलाबो, क्या बना खाने में, क्या बना, क्या बना, क्या बना है? मुझे भूख लगी, बहुत दिनों बाद खाऊंगी मैं कुछ बहुत अच्छा। तो मुझे बताया बनाया क्या? मुझे पता है ये, मुझे एतबार से ज्यादा बुखार लग रहा है, इस सड़की यही दीवानगी है जिसकी वजह से ये भी खराब हो गया। ये बैठे कैसे हुए तुम, तमीज नहीं है? चाचू के साथ ऐसे बैठते, सीधे होकर बैठो। अब क्या वुजू करके आ जाऊं? अरे बाजी चिल करे, चिल, सही है सही है। अगर वो इसरा हुई तो अमल कह रही है वो लड़की वाकई मुझसे मोहब्बत कर सकती है। ओह माय गॉड, शायद इस बार मेरी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए। बसंत, मैंने ज्यादा ऊंचा तो नहीं सोचा? नहीं, और मैंने नहीं तेरी और खेड़ी का काम। यार अमल, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना उसको बर्थडे के बहाने में उसको यहाँ इनवाइट कर सकूं। देखो पापा को, फुप्पो को, सबको तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ याद है,
अभी मार्च चल रहा है, तुम्हारी बर्थडे अगस्त में आती है। अगर ये सब तुमने किया तो उसके सामने इतना जलील होगे कि पूरी जिंदगी उसके सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। पता है चाचू उसको? अमल, मुझे लग रहा है कि इसको मुहालता हो रहा है। लड़कियां होती है ना, रहम खा के लोगों को मुस्कुरा के देख लेती है, और ये उस खुशफहमी में होगा कि लड़की इसको पसंद करती है। जाओ जाके देखो, इसकी सारी खुशफहमियां खत्म कर दो। मैं कोई फारिग हूँ, मैं कोई पागल हूँ जो 24 घंटे व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ? हाँ हाँ, मुझे किसी से पर्सनल हो रहे आपकी चाय भाई जान। चले इनको ये तो बता देती कि महफिल में बैठे हुए यूं कुसर पुसर नहीं करते। तुम लोगों की बात कर रहा हूं, तुम लोगों की। क्यों रहे भाईजान? अब मैं क्या समझाऊं उन्हें, बोलो। तो भाईजान इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि घर में एक और औरत को आ जाना चाहिए, जो काम मुझसे अधूरे रह गए वो पूरे कर देगी। अच्छा, अगर वो आने वाली जो औरत होगी वो घर में मौजूद पहले सी औरतों की तरह काम चोर और नालायक हुई तो वो क्या करे? यही बातें आपकी जो मेरा दिल दुखा जाती है, तीर की तरह लगती है मुझे आकर। सारी जिंदगी की मेहनत जा पेशानी का मुझे ये सलाह देते बस, ठीक है ना भाई जान? मैंने भी सोच लिया, मैं क्यों अपने ऊपर जुल्म करूं, मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। आप जाने, आपकी घरवाली जाने, सारी दुनिया जाने, बस मैंने। अरे आंटी क्यों नाराज हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम कब आए? तो मैं अभी तुम्हें याद कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बस कैसे हैं? याद करने की क्या जरूरत है, एक मैसेज करते मैं सर के बल हाजिर हो जाता। आई मस्ट से तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की। अंकल वालदा तो नहीं रही अब, अलबत्ता आनी जरूर है। मेरा मतलब मेरी खाला, अब वो ही मेरी अब माँ है, और मेरी बड़ी बहन भी। अक्सर जिक्र किया है मैंने आपसे उनका, वो एक्चुअली आपसे मिलना भी चाह रही थी। हाँ तो मिलवाइए ना जी, हम मना थोड़ी कर रहे हैं मिलने से। जी जी जरूर, तुम उन्हें बुलाओ ना घर अपनी आंटी को। जी नहीं नहीं भाईजान, इसकी जरूरत क्या है? मेरे ख्याल में वो जहाँ हैं वहीं ठीक है। जी नहीं, मैं तो ऐसे अपने ख्याल का इजहार कर रहा था। हमें ना तुम्हारे ख्याल की फिक्र है और ना परवाह से करना, इसलिए तुम बेहतर है कि खामोश हो। तुम बेटा उन्हें लेकर आओ। बैठ जाओ। अमल, ये जो तुम दांत निकाल निकाल के हंस रही हो ना बेटा, वो तुम्हारे वालिद मोहतरम को अगर पता चल गया ना कि तुम्हारा जानिब उसमें इंटरेस्टेड हो, तो फिर बस सिर्फ सैड सॉन्ग्स गाते हुए नजर आओगे। अच्छा ये बताओ, वो जो प्लॉट तुम परचेज करने वाले थे, क्या हुआ उसका? अरे प्लॉट का क्या ही बताऊं अंकल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग ना मुझे आउटसाइडर समझ के थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं। मैं नोटिस किया है, मैंने जमीन लेने जाऊं तो कब्जा नहीं मिलता, ये स्टेट एजेंट बार बार मुझे हर बात पे टाल देते। लेकिन मैंने भी ठान ली अंकल, इस दफा जमीन भी लूंगा और कब्जा भी। That's like a man. ये होनी चाहिए स्पिरिट। सही फैसला किया तुमने, तुम्हारे जैसे नौजवान ही हमारा फख्र है और काबिले कदर है मेरे ख्याल में। तो तुमने घबराना नहीं, डटे रहना है, जिद पर कायम रहना है, और दुश्मन को ना को चने चबा देना, याद रखो। अंकल आपने कह दिया तो बस दुश्मन की ऐसी की तैसी। यूथ ही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छा सोचते, बहुत अच्छा। ब्रेव मी, मेरे पास बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस पैशन और ईमानदारी से आप काम करती हैं वो बहुत कम लोगों में होता है। इतनी तारीफ तो कभी तुमने मेरी भी नहीं की। तुम मर्दों को भी ना हमेशा पराई औरतों की खसूसियात नजर आती हैं। चेक लेके बैंक मैनेजर के पास भी गया था, काफी मेहनतें की उसकी लेकिन मदद नहीं की। आपने अपने दोस्तों पे इतना पैसा लुटाया, मुझे यकीन है कोई ना कोई दोस्त आपकी मदद जरूर कर देगा। इस दुनिया में जो सबसे पहले लोग भूलता है ना, वो एक दूसरे पे किए हुए एहसान आप होते हैं। बेटा जो कुछ आपके साथ उस दिन अजलान ने किया है, आपको नहीं लगता बहुत ही बेइज्जती का मकाम है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ, और मैंने अपनी दोस्तों को यही बताया था कि अजलान ना नाराज होके कराची गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी शादी ना धूमधाम से हो, और वो कराची इसलिए गए ताकि वो एक ग्रैंड सा शादी हॉल बना लें जिसकी ओपनिंग हमारी शादी से हो। वैसे बेटा बहुत ही फिटे मुंह आपके इस बात के ऊपर, प्यो की तरह ना फराटे से झूठ बोला है आपने। हाय मेरी बच्ची, मेरी बात सुन है मेरी जान, एक अच्छा सा रिश्ता देख के तेरी शादी कराती हूँ, दफा कर उस अजलान को। क्या पट्टियां पढ़ा रही है मेरी बेटी को,
हैं? और क्यों मेरे कारोबार के पीछे ही पै गई है? मुझे आज एक दफा तफसील से बता ही दे के किस बात का इंतकाम लेना चाहती है। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? वो मुंडा इसके साथ शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती का पैचा डालने की जरूरत क्या है? बस आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बातचीत नहीं होगी। तेरी बहन जो है ना, वो जाते जाते ना तुझे पांजे की मोहब्बत का इंजेक्शन लगा के गई है। इंजेक्शन भी वो गाय भैंसों वाला, मोटे वाला। और मेरी गल पे सुन जाओ। मैंने ना अपनी ती की शादी तुम्हारी फैमिली में करनी नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है। और हनी की शादी सिर्फ और सिर्फ अजलान के साथ होगी, ये मेरा दूसरा आखिरी फैसला है। और देखना अजलान कैसे आके खुद मेरे से हनी का रिश्ता मांगेगा, ये मेरा तीसरा आखिरी फैसला है। और कोई फैसला रहता है? पर क्यों? खबरदार, अपने मजाजी खुदा से सवाल कौन करता है। तुम बस तैयारी रखो, हम कराची जाके मुंडे पे नजर रखनी है। हो जी हूँ, उस लड़के ने क्या कर दिया जो आपको नजर रखने की जरूरत पड़ गई उस पे? देख बहन मेरी, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये तो जायदादों और जमीनों के पीछे यतीम को कत्ल कर देती है। गोल्डन वर्ड्स है ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने अजलान के सर पे मेरे जैसा मामा रखा हुआ है, वरना तो वो कब का लुट पुट गया होता। क्यों हसीना जी, मैं कुछ गलत किया है? जे मैं कहता तुसी गलत किया तो तुसी मान जाने? तुहाडी धी है ना, करो फैसला जो मर्जी करना। लोगों की बीवी होती है कदम से कदम मिला के साथ चलती है। एक मेरी बीवी है, अड़ंगी दे के मुंह के बल गिराने के लिए तैयार रहती है। देख इसरा इसरा, मैंने अजलान की बहुत बड़ी गलती अपने उससे भी बड़े जर्फ से माफ कर दी है। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, है ये बात बातों बातों में बता देना उसको। और कुछ जी? फिलहाल इतना। देखो असलान, इससे पहले कि भाई जी कराची आके सारा कारोबार और जमीन अपने नाम लगाएं, तुम सब अपने नाम कटवा। आनी, अभी तो इस प्रॉपर्टी के मसले हल नहीं हो रहे, मुझे तो लग रहा है कि खून खराबे का भी अंदेशा है। पहलवानों की औलाद हो के तुम लड़ाई झगड़े से डर रहे हो? याद रखो असलान, बाप की तरफ से ना सही लेकिन माँ की तरफ से तुम्हारी रगों में पहलवानों का खून है, तो तुमने हर चीज का डट के मुकाबला करना है, जुर्रत पैदा करनी है। देखो इसी तरह ही तुम भाई की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकोगे। देखिए हनी, ये बात तो तय है कि मुझे हनी से शादी नहीं करनी, लेकिन जो भी हैं, जैसे भी हैं, मामू हैं तो मेरे मामू ना, उनसे बदतमीजी तो मैं कतई नहीं कर सकता। बाय द एंड ऑफ द डे है तो मेरे मोहसिन। अजलान, तुम्हारी इसी मुरब्बत की वजह से सब लोग तुम्हें ना बेवकूफ समझते हैं। देखो जवान मर्दी से मामला परखो, समझो और फिर मुकाबला करो। सबसे पहले तुमने क्या करना है, कराची में एक अच्छा सवाल बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे कब्जा करो, फिर देखो कि किस तरह सारी चीजें अपने नाम करवानी है। और लोगों की इज्जतबाजी और हठधर्मी से बिल्कुल नहीं घबरा। हाँ जी आनी, आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। हाँ अच्छा सुनो, एक और काम करो, फिलहाल के लिए दो चार कंटोटे ना बतौर बॉडीगार्ड अपने साथ रख लो। कंटोटे? ये क्या होता है? तुम्हें कंटोटे नहीं पता? ऐसे छोटे मोटे दंगा फसाद करने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़े में माहिर होते हैं, इस तरह के दो चार लोग अपने साथ लगा लो। ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जाओ, अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पे सब समझ में आ जाएगा। लाफिस। ए? कुंटोटे? अबे यार, जहाँ जा रहे वहाँ किराया तो मिल जाएगा ना? अबे किराया छोड़, पहले बंदा मिल जाए। हाँ सही कह। एक मिनट, क्या हुआ? फोन आ रहा है किसी का। अरे ये तो उसी का फोन है। उसी का? हाँ। अब उठा स्पीकर पे। फंक्शन हो ये ले। हेलो, हाँ जामी। हाँ प्यारे, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, मुझे कुछ कुंटोटो की जरूरत है। अरे यार सब्जी। अरे मेरा मतलब है कुछ दंगा फसाद कराने वाले छोटे मोटे जराइम पेशा कुछ लोगों पे रोब दबदबा कायम करना है। ओ, अच्छा ये बात है। ये तो कोई मसला ही नहीं है भाई, हमारे म्यूजिकल के लोग ना जो, वो किसी वक्त कोई भी लूट ढाल सकते हैं। अरे जामी असली वाले चाहिए यार, आसपास के कारोबारी हजरात पर थाप बिठानी है। ओके छुपा बैठा है, सामने आए। सामने बकरी।
पैसे मांगने थोड़ी बोला था, फोन ही काट दिए। खैर यार कोई बात नहीं, आ जाएगा अगर आना हो तो। अबे शामी किराया तो लाया ना रिक्शे का। अच्छा हो गया, तुम्हें लाना था ना किराया तो। मैं तो भूल गया। अब अल्लाह मानी के वो मिलेगा तो उससे देके देंगे, चलो उधार वरना खामोशी से भाग जाएंगे। ओह माय गॉड, क्या वाकई तुम सुनी सुनाई पे घीन करके अजलान से खफा हो गई थी? जी चाचू, मुझे लगा वो लड़की जो कह रही है ठीक कह रही है। अमर ये दुनिया बड़ी जालिम है, मोहब्बत की राहों को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने पे तुली हुई है। आइंदा किसी की बातों में मत आना प्लीज। जी चाचू ठीक कह रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ अमर, आने वाले टाइम पे ना तुम्हें आग के दरिया पार करने पड़ सकते हैं। ये मैं कैसे करूंगी, मेरा दिल तो बहुत छोटा है, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है चाचू। अबे तो मोहब्बत करने से पहले सोचना था ना, अब क्या शक्लें बना रही हो? क्या बातें हो रही भाई सचावती जी में? वो कुछ नहीं भजन, वो बिल्ली ने बच्चे दिए ना तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए थे कि बिल्ली ने एक घर चेंज कर लिया, वो सात घर चेंज करती है ना, तो पहला घर चेंज किया है। माशाल्लाह अपने घर की फिक्र नहीं है और बिल्ली के सात घरों की पड़ी है। अरे छोटू तुम्हारी टांग पे लगी थी, असर दिमाग में हो गया क्या? नहीं पापा, वो किसी किसी का दिमाग टखनों में भी तो होता है। अमल अरे को क्या हो, कुछ परेशान लग रहे? आप परेशान लग रही कुछ? वो बिल्ली बच्चे लेके आपके घर चली गई है। अमल नहीं, वो मेरे किचन में गैस लीक हो रही है और चूल्हा भी जल रहा है। ओह माय गॉड, कुछ देर में धमाका हो सकता है, आपका किचन धमाके से उड़ सकता है। सिकंदर और जब आपका किचन उड़ेगा तो आपका घर भी आग लग के उड़ सकता है। कुछ नहीं होगा ऐसा, सिकंदर बात सुनो मेरी। चुप। और जब आग के शोले फिजा में बुलंद होंगे तो ना सिर्फ ये सोसाइटी देखेगी बल्कि पूरा शहर देखेगा, और फिर चैनल वाले आएंगे घर के अंदर, और फिर हमारा घर जो है पूरी सोसाइटी में मशहूर हो जाएगा। बस कर दो सिकंदर। इतना खौफनाक मंजर जैसे मूवीज में होता है। मैं अभी ताबी को बताती हूँ। ताबी को गैस ठीक करना आता है? नहीं, क्योंकि उसको हॉरर और एक्शन मूवीज का शौक है ना, बहुत खुशी होगी उसे जलता हुआ घर देख के। अमल क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? आप आइए, आप मेरे साथ चलें, आइए। अरे नहीं आप क्यों, मैं नहीं चाह रही। आप आइए, ऐसी बात का अफसाना बना रही है। अरे चेक करें, चुप कर जाओ तुम। भाईजान आइए, इतनी फुर्ती है? वैसे तो हिल के पानी तक नहीं पीते पापा घर में, और चले गए इस मैडम के घर में इतना खतरनाक काम करने। अबे पूरे शहर में गैस नहीं आ रही और इनके घर में आग लग रही है। ये आग घर में लग रही है या इनके दिल में? थैंक यू सो मच। मैं तो पैनिक कर गई थी, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, मतलब जान ही खतरे में डाल दी। लगता है शम्मा साहिबा ने सिर्फ पापा को बुलाने के लिए बहाना बनाया था। देखो तो कैसे दोनों हंसते मुस्कुराते साथ साथ चले आ रहे हैं। आप ऐसे ही बच्चों की बातों में आ गई, छोटा सा काम था, आप वो प्लंबर को या किसी मैकेनिक को बुला के उसको ठीक करा दीजिए। पापा जल्दी घर चले, वो मुझे आपसे काम है। अरे ऐसे कैसे घर चले, अंदर तो आए। आप ऐसे मेहमान को खाली हाथ वापस भेजना मतलब अच्छा नहीं लगता। शर्मा आंटी, हम मेहमान का है, आपने तो मेरे पापा को इतना फालतू समझ के एक खतरनाक काम के लिए बुलवा लिया है ना पापा। अगर आप सोचे कि आप फिजा में टुकड़े टुकड़े हो जाते धमाके की वजह से तो नुकसान किसका होता? मेरा, सिर्फ मेरा। आई एम सॉरी अमल, मैंने तो इन्हें रोका था लेकिन थैंक्स टू हिम ही हेल्प। जी जी अच्छा चले पापा चले। हाँ हाँ चल, वो फुर्सत से किसी वक्त बैठते हैं तो बात भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। मैं आपका वादा पूरा होने का इंतजार करूँगी। चले पापा। जल्दी किस बात, ये क्या काम है आखिर? वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। चले चले ठीक है। क्या करती हो? देखें जी, एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं शुरू से साफ सुथरा काम करने का आदी हूं, एक नंबर। मुझे दो नंबर ही बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना? अबे एक मिनट, तुम तो वही हो ना जो मेरी बिल्डिंग के सामने अमृतों का ठेला लगा देते। अबे वो वाइट खरबूजे, अबे ये वो नहीं है, वो इतना बड़ा भाई है। अगर मुझे तुमने अमरूद वाला कहा ना तो मैं गुस्से में आके।
ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छे आदमी लगते हैं। बस मुखालिफ पार्टी को इतना समझा दें कि हम कितने पावरफुल और खतरनाक लोग हैं। बेशक बेशक, और इसमें गलत बयानी की कोई बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है बॉस, चलना चाहिए, काफी देर हो गई। हाँ भाई चलो, अगली बार मुलाकात होगी तो अच्छे माहौल में हो, बस इतना याद रहे कि हमें हमारे शादी हॉल के लिए वो जमीन चाहिए तो चाहिए। अबे स्टाइल है अपना, कॉमेडियन बदमाश है ना, पता। हंसते हंसते गोली मारते और बंदा भी हंसते हंसते ही ऊपर। बिस्किट लेके जा रहा हूँ जरा। सर जी मैं तो कह रहा हूँ जिद छोड़ दें, शहर में सिर्फ यही जमीन थोड़ी रह गई है, मैं आपको और बहुत अच्छी जमीन दिखा देता हूँ। सुहेल बात असूल की है, जिद की नहीं है, पर अगर तुम्हें लगता है जिद है तो चलो जिद ही सही। कितने अच्छे से हूं मैं इस शहर में, नाम है मेरा, लोग जानते हैं पहचानते हैं। सो वो कौन है जिसने मुझे जिद दिलाई और कौन है जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कौन बोलो। सर जी असल पार्टी लाहौर बैठी है, वहां से डोरे हिला रही है सारी। देखें आप अपनी साख बचाएं, दरमियान से हट जाएं। क्या मैं हट जाऊं दरमियान से? अरे वो असले के जोर पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अब उनसे उनकी जुबान में ही बात होगी। और बता दो मैं उनको कह दो अगर वो बंदे बुला सकते हैं तो मैं भी बुला सकता हूँ, ऐसे है तो ऐसे ही सही। सर जी क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 15 साल से यही सुन रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे, बड़े होने पे ही नहीं आ रहे। अरे तुम अपना एडवांस और पेपर मेरे हवाले करो, मैं जानू और मेरा काम। चले ठीक है सर जी, दे एडवांस करता हूं मैं कुछ। चाय खत्म करो और अकाउंट खोलो अपने पैसे। इतनी मौके की जगह भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि डीलर से बात हो गई थी मेरी, दूसरी पार्टी तो बाद में आई। अरे मामू हर तरीका आजमा लिया, प्यार से बात कर ली, धमकियां दे दी, लेकिन अगली पार्टी के मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ पुत्र जी, और ये जमीन है जायदाद भी कभी प्यार मोहब्बत से हासिल हुई है कभी नहीं, इसलिए बहादुर बढ़ और ये मौके की जगह मुझे हासिल करके दिखा बस। अबे शामी। हाँ जामी। अबे ये तो सचमुच के बदमाश ले आए। सचमुच के बदमाश? यार लग तो नहीं रहा, चेहरे पे कट का निशान तो है नहीं इनके। अबे आजकल कट का नहीं, फटाफट को दूर है। सर जी मुझे लगता है मुखालिफ ग्रुप के लोग आ गए, अगर आपकी इजाजत हो तो अपने अंदाज में निपट लें। तो देखो और क्या, पिकनिक के लिए आए हो? देखो जी इनका मुकाबला कैसे करेंगे? अज़ान चलो चलो। अरे गोली लग गई, गोली लग गई मुझे, गोली लग गई। अरे यार मामू मरवा देता। अरे पहले पता होता कि यहाँ पे जान का खतरा है तो कभी आता ही नहीं। मेरा काम करते हैं, भाग लेते हैं यहाँ से। अबे भागते में भी गोली लग जाती है। अबे मेरी टारगेट चल रही नहीं। अबे चल दी नहीं अब, लेकिन ये तो स्टार्ट है। क्या तो अंधे हो क्या? मेरे अपने बच्चे में गोली चला दी क्या? मुझे लगता है जो गोली इधर बाजू पे लगी ना वो तो
दिल की तरह ना। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं बेटा, अभी तुम्हें लेके चलेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है गोली बस छू के गुजरी है। छू के गुजरी? मैं गाड़ी में चढ़ लेता। अबे क्यों, गाड़ी है कोई पहाड़ थोड़ी है, बैठ जाएंगे। अरे ये बातें फिल्में में होती है बस, असली जिंदगी में गोली लगती है तो बड़ा दर्द होता है। और जो दर्द होता है ना तो वही मर्द होता है, आपको तो पता होगा। ठा करके लगी हो तुम, हिम्मत उठो चलेंगे ना। अच्छा मुझे समझ में आया, गर्मियों में स्वेटर जैकेट क्यों पहनते, अरे गोली कभी भी कर सकती है। अरे क्या हो गया तुम, ये बताओ तुम यहाँ क्या रहे हो? मैं इधर आपको एक दोस्त से मिलने आया था, गोली चलने की आवाज आई, आप दिखे मुझे, आपकी तरफ दौड़ लगाई मैंने और आपकी जान बचा ली। मुझे खुशी इस बात की है सारंग कि जो गोली आपको सीने से चीरती हुई चली वो मैंने खा ली। नहीं तुम्हारे सीने से बेटा, बाजू में लगी है, बल्कि चूके गुजरी है मेरा तो खा। अच्छा फिर चूके गुजरी? नहीं नहीं मत करो, मैंने अपने सीने पे गोली खाई है। सीने बेटा बाजू पे लगी, आजा बाजू और सीने बस एक इंच का ये बाजू। अरे बस अस्पताल चलते हैं ना, बैठो बैठो सर बचा। तो चल रहे आ रहे तो चल रहे चल रहे। मुझे कुछ हो गया तो घर पे फोन करके बता दे बेटा, चल रहे बस चल रहे चल रहे। आगे आगे बस आगे, इमरजेंसी। अंकल अंकल मुझे छोड़ के मत जा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अरे अरे जनाजा इज्जत के साथ उठना चाहिए, मेरे मेरे घर वालों को इतना कर दे बेटा। जनाजा के बस अस्पताल पहुंच गए वो, मगर मैं तो तुम्हारे घर के किसी फर्ज से वाकिफ ही नहीं। अल्लाह क्या होगा, अंकल एक काम कर, अपने घर वालों में से किसी को इतना कर दे। अरे कोई तो होना चाहिए ना, मेरे लिए दुआ कर। मैं करता हूँ, देखो कौन आओ देखो। हाय देखिए आप लोग, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे बाले आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या कर की तुमने नायली की इंतहा है, हम बातचीत करने के लिए वहां गए थे, तुमने मेरे ही बंदे पे गोली चला दी। अजलान को पता चल गया कि ये कराए के गुंडे मैं ही वहां लेकर गया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? फिर भी देखो चले है, चले है, चले है, चले है, चले है, चले है।